और अब मानवता की मौत की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। कहते हैं कि जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में होती है, पर कभी कभी ये धरती के भगवान के हाथ में भी होती है। लोहरदगा के जितेंद्र को जिंदगी, इसकी जिंदगी जो थी वो धरती के भगवान के हाथ में ही थी, पर उन्होंने जितेंद्र को मौत दे दी। के बीच झूलता रहा जितेंद्र, चान्हो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेलता रहा खेल, जिंदा जितेंद्र को भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए, परिजन करते रहे मिन्नत पर नहीं माने चान्हो वाले डॉक्टर साहब। सरकारी लोग ऊंचा सुनते हैं और अपनी मर्जी की सुनते हैं। अगर इसका उदाहरण देखना था तो कफन से ढके जितेंद्र को देख लीजिए। जितेंद्र लोहरदगा जिले के कैरो के रहने वाले हैं। टेंट खोलने के दौरान उन्हें करंट लगा। गंभीर स्थिति में परिजन जितेंद्र को चान्हो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। यहाँ डॉक्टरों ने जितेंद्र को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने फिर बोला, परिजनों का मन नहीं माना, बोले एक बार फिर देख लीजिए डॉक्टर साहब। पर डॉक्टर साहब ने जितेंद्र को मारने का तय कर लिया था, सो जितेंद्र को मरा घोषित कर भी दिया और पोस्टमार्टम के लिए रेफर कर दिया। शादी था हम लोग गांव में खरता में, तो उसमें टेंट लगा हुआ था, टेंट इन्हीं का, तो बिजली तार है 11,000 वाला, उसी के नीचे टेंट लगा हुआ था। तो सुबह गया करीब 5 बजे टेंट खोलने के लिए, तो टेंट जैसे ही खोला वो छट गया 11,000 वाला तार में, तो उसी में उसको झटका लगा। वो झटका लगा और तुरंत बाद चान्हो लाए, चान्हो अस्पताल, वहाँ लाए तो वहाँ का डॉक्टर बोल दिए कि ये डेथ हो गया। फिर वहाँ सारा कुछ बना, मृत्यु सब पोस्टमार्टम वाला सारा कुछ बना। फिर यहाँ लाए, पोस्टमार्टम वाला रूम में घुसाए, उसके बाद यहाँ भी डॉक्टर लोग को बोले, हम लोग रिक्वेस्ट किए कि एक बार देख लीजिए, हम लोग को डाउट था कि इसका सांस चल रहा है, तो डॉक्टर लोग देखे, फिर वहाँ बोल रहे कि इसका जान है, आप इसको इमरजेंसी में लेके चल जाइए। अब आप सोचिए, जितेंद्र जिंदा था, रिम्स में पोस्टमार्टम की जगह रिम्स में उसे इमरजेंसी में जाने की सलाह मिली, क्योंकि उस समय तक जितेंद्र की धड़कन चल रही थी। हम लोग भी वो डॉक्टर के कहे अनुसार चले, तो पोस्टमार्टम कागज उगज बनाते बनाते हम लोग को भी लेट हो गया, पर भी पूरा परिवार लोग आए हम लोग का, फिर बोल रहे कि इनका सांस चल रहा है, सांस चल रहा है, नाली भी देखे तो नाली भी चल रहा है। तो उसी करते करते डॉक्टर को बोलो फिर चेक करने के लिए चान्हो में, वो भी बोले फिर कि फिर दोबारा चेक किए तो फिर बोल रहे हैं कि डेथ हो गया। फिर वहाँ का बड़ा बाबू आए, बड़ा बाबू भी बोले कि इसका डेथ हो गया, वो बना दिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फिर आए यहाँ। पर जितेंद्र जी नहीं सका, सही इलाज वक्त पर नहीं मिला। पर चान्हो वाले भगवान ने तो जितेंद्र से नाइंसाफी कर ही दी थी। शायद चान्हो वाले भगवान ने जितेंद्र के लिए मौत लिख दी थी, और परिजन तो परिजन थे, भला भगवान से कैसे लड़ते। उन्होंने भी अपने जितेंद्र के लिए मौत कबूल कर ली, भले आंखों में आंसू थी, पर कबूलनामा तो यही होता है ना। अब भगवान को दोष दे भी तो कैसे। सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 भारत, रांची। अमूमन यही होता है, आपके घर में कोई बीमार होता है, कोई हादसा हो जाता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। और इस बात को प्रूफ की जरूरत नहीं है, आज डॉक्टर्स ही हैं इस कोरोना में फ्रंट फुट पर, फ्रंट लाइन पर लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी तस्वीरें भी आ जाती हैं जो हम अभी आपको दिखा रहे थे। वो जिंदा था और जीते जी उसे मार दिया गया, उसे पोस्टमार्टम के लिए। हमारे साथ प्रमुख चान्हो के भोला उरांव जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। भोला जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हुआ है, पूरा पूरा घटनाक्रम किस तरीके से आगे बढ़ा, पूरी बात बताएं। देखिए, ये सुबह 7 बजे का घटना जानकारी मिली कि विद्युत के 11,000 के चपेट में आने से अचेत अवस्था में उनको इलाज के लिए चान्हो प्रखंड के स्वास्थ्य उपकेंद्र में उनको लाया गया 9 बजे आसपास। और उसके बाद में उनका आवश्यक जांच पड़ताल करके ये पता चला कि उनको मृत घोषित किया गया। कि इसके बाद में परेशानी आपका और बढ़ता है, वो लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो कैरो थाना से हैं, और वो आपका स्वास्थ्य केंद्र आपका चान्हो प्रखंड में है।
थाने में थाना भी इसमें वो कैरो थाना वो अपना वो अपना मतलब जवाबदेही नहीं लेना चाह रहा है और भी आपका यानी कैरो थाना और कुडू थाना ने अपनी जवाबदेही नहीं लेनी चाहिए। हाँ तो ये चान्हो थाना में उनका कहना है कि चान्हो थाना में हुआ है मेरे यहाँ पर पहुँचने के बाद ऐसी बात करके वो लोग एक दूसरे के ऊपर किया गया। अच्छा यहाँ हम परिजनों की जो बात सुन रहे हैं, परिजन कह रहे हैं कि वहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है चान्हो का, वहाँ के डॉक्टर को इन्होंने कहा कि भाई साहब एक बार फिर से चेक कीजिए आप, इनकी शायद धड़कन चल रही है। तो मतलब ऐसा कुछ हुआ था क्या वहाँ पे? परिजन बार बार मिन्नत कर रहे थे डॉक्टर से? ये अगर वो बोल रहे तो ये सच्चाई बात हो सकता है क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं खुद अपने घर से एक बच्चे का, नवजात बच्चे का एक गलत मैंने इंजेक्शन बीसीजी का टीका लगाना है दूसरे जगह लगा के अभी बच्ची आईसीयू में है। और इसी तरह से और अभी जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं जिसका प्राथमिक उपचार होती है तो मैं समय समय पर जाके देखता हूँ, तो उस मजदूर से क्या व्यवहार किया जाता है वो मैं खुद सामने से देख रहा हूँ। इसलिए मैं तो सामने नहीं था, मैं दूसरी जगह था, लेकिन ये हम महसूस कर रहे हैं क्योंकि मेरा वो जो मृत व्यक्ति अभी जो है वो मेरा एक दूर के रिश्ते मेरा दामाद भी है। अच्छा, तो क्या किसी पदाधिकारी से, बीडीओ से चान्हो प्रखंड के या फिर चान्हो थाना प्रभारी से या चान्हो सीओ से किसी से इस रिगार्ड में आपकी बात हुई? नहीं, इसमें मैं थाना प्रभारी से हम तो सोचे कि वो एक मृत हो गए, हमने सोचा कि इनका पोस्टमार्टम हम लोहरदगा में होगा या रांची में होगा, इसी दोनों बातों में हम उलझ के रह गए। मैं वीडियो और सीओ से मैं इस संदर्भ में बात नहीं कर पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भोला जी इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो भोला उरांव हमारे साथ जुड़े हुए थे, चान्हो के प्रमुख हैं, जो कि बता रहे थे कि उनके संज्ञान में भी मामला आया। उन्होंने बताया कि सीमा का भी ये विवाद था, जो थाना के लोग हैं वो कहते रहे कि भाई कैरो थाना और कुडू थाना ये लोग जवाबदेही नहीं लेना चाहते थे, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। थक हार करके चान्हो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया इस मरीज को, और उसके बाद फिर जो मरीज था उसे मृत घोषित कर दिया गया स्वास्थ्य केंद्र में। अभी हम परिजन की भी आपको बात सुना रहे थे, तो परिजन ये बता रहे थे कि वो बार बार मिन्नत करते रहे, उन्होंने वहां मौजूद डॉक्टरों को कहा कि एक बार और चेक कर लीजिए, शायद धड़कने चल रही है, पर उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए रेफर कर दिया। चलिए, सत्यव्रत किरण हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं रिम्स से, हम रुक करेंगे सत्यव्रत किरण का। सत्यव्रत, मामला बड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक जीवित शख्स को मृत घोषित कर दिया जाता है, पोस्टमार्टम हाउस में जब उसे देखा जाता है तो पता चलता है कि धड़कने चल रही है और इमरजेंसी रेफर कर दिया जाता है। ये तो पूरे सिस्टम की पोल खोल देने वाली तस्वीर है। नहीं देखिए, बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि पूरे सिस्टम की पोल खुल रही है, और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर चान्हो के जो डॉक्टर साहब हैं उन्हें मृत घोषित करने की इतनी ज्यादा क्या जल्दीबाजी थी? अगर आप देखेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो लगातार उसका क्रॉस चेक किया जाता है, यानी कि उसकी धड़कने जो है वो जांच की जाती है, जो ईसीजी है वो किया जाता है, और जब ईसीजी के रिपोर्ट में जो ग्राफ है वो अगर प्लेन पाया जाता है तब ये पुष्टि होती है कि वो मौत हो गई। उसके बाद भी अगर किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है तो उसे सीपीआर दिया जाता है ताकि उसके जो उसका जो धड़कन है उसे पंप किया जाता है ताकि उसमें सांस जो है वो आ सके और हो सकता है कि वो रिकवर हो जाए। लेकिन जो सामुदायिक केंद्र के जो चिकित्सक थे उन्हें शायद इस बात की जल्दीबाजी थी कि जितना जल्दी हो सके जितेंद्र को मृत घोषित कर दिया जाए। देखिए, घटना करीब 5 बजे की है, परिजन जो है उसके भाई हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कैमरे के सामने बताया कि करीब 5 बजे टेंट हटाने के दौरान 11,000 के करंट की चपेट में आए थे। 5 बजे के बाद उन्हें जो चान्हो सामुदायिक केंद्र है स्वास्थ्य केंद्र वहां ले जाया गया, करीब 7 बजे के आसपास जो है डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन चूंकि एक कागजी प्रक्रिया होता है, पोस्टमार्टम के लिए रिम्स रांची भेजा जाना था, वैसे में कागजी प्रक्रियाएं चल रही थी और 1 बजे के करीब आप समझ सकते हैं। सत्यव्रत, आप हमारे साथ बने रहें।